चैप्टर में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से किस तरह के टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पर आधारित अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह के टॉपिकों पर, ठीक है, चैप्टर वाइज कमांड होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के इस चैप्टर को, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वह है नेटवर्क। ठीक है, दूसरा है नेटवर्क के लाभ, तीसरा है प्रोटोकॉल, चौथा है नोड, पांचवा है सर्वर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संचार की विधियाँ, जिसमें सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स, पूर्ण डुप्लेक्स विधि, इन सभी के बारे में जानेंगे। बैंडविड्थ के बारे में जानेंगे जो क्या होता है, बॉड के बारे में जानेंगे, ब्रॉडबैंड के बारे में जानेंगे, बेसबैंड के बारे में जानेंगे, संचार माध्यम के बारे में जानेंगे जो संचार माध्यम क्या होता है, युग्म तार के बारे में जानेंगे हम लोग जो युग्म तार क्या होता है, कोएक्सियल केबल के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रकाशकीय तंतु के बारे में जानेंगे जो प्रकाशकीय तंतु क्या होता है, माइक्रोवेव के बारे में हम लोग जानेंगे जो माइक्रोवेव क्या होता है, संचार उपग्रह क्या होता है, इथरनेट केबल क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन में हमको आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, इन सभी के बारे में जानना है। आगे है हमारा डाटा प्रेषण सेवा। ठीक है, देखते हैं डाटा प्रेषण सेवा में क्या क्या और पढ़ना है। डायल अपलाइन पढ़ना है, लीज्ड लाइन पढ़ना है, ISDN पढ़ना है, GSM के बारे में जानेंगे, CDMA के बारे में जानेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक के बारे में जानेंगे, वायरलेस ब्रॉडबैंड के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे सिंक्रनस तथा असिंक्रनस संचार के बारे में जानेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में जानेंगे, स्विचिंग तकनीक के बारे में जानेंगे जो स्विचिंग तकनीक क्या होता है, सर्किट स्विच क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, मैसेज स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। ठीक है, देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण किस तरह किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, वायरलेस लैन, इथरनेट, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे निकनेट, राष्ट्रीय ज्ञान, संजाल, स्वान, इरनेट, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे, स्टार टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे, बस टोपोलॉजी को समझेंगे, रिंग टोपोलॉजी को समझेंगे, मेश टोपोलॉजी को समझेंगे, इन सभी टोपोलॉजी को हमको अच्छे से समझना होगा ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वह है इंटरनेटवर्किंग टूल। ठीक है, इंटरनेटवर्किंग टूल के बारे में हम लोग जानेंगे, हब के बारे में जानेंगे जो हब क्या होता है, स्विच के बारे में जानेंगे, ब्रिज के बारे में जानेंगे, वो ब्रिज नहीं जो रोड पे बना रहता है, ये कंप्यूटर का ब्रिज होता है जिसे हम लोग आगे समझेंगे, नेटवर्क गेटवे क्या होता है उसे समझेंगे, रिपीटर के बारे में जानेंगे, राउटर के बारे में जानेंगे जो राउटर किस तरह से कार्य करता है, नेटवर्क इंटरफेस कोड के बारे में जानेंगे, बैकबोन नेटवर्क के बारे में जानेंगे, मॉडम के बारे में जानेंगे जो मॉडम क्या होता है, बेतार तकनीक के बारे में हम लोग जानेंगे, वाई मैक्स के बारे में जानेंगे, वायरलेस लोकल लूप के बारे में जानेंगे, ब्लूटूथ के बारे में जानेंगे, वाईफाई के बारे में जानेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे, लाईफाई के बारे में जानेंगे, RS-232 क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में समझेंगे, इंट्रानेट के बारे में समझेंगे, एक्स्ट्रानेट के बारे में समझेंगे जो ये सभी होते क्या हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 11 से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इन सारे टॉपिकों की अच्छे से तैयारी करने के बाद ही एग्ज़ाम में जाएं ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इंटरनेट से देखेंगे, इंटरनेट से किस तरह के टॉपिक
आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।